तीसरी पार्टी के रूप में अब आम आदमी पार्टी राजस्थान के चुनावी दंगल में उतरने जा रही है। इस साल होने वाले विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी पूरे दमखम के साथ उतरेगी, जिसे लेकर पार्टी अब एक्टिव मोड में काम कर रही है। आपकी ओर से 18 जून को श्रीगंगानगर में रैली और आम सभा की जाएगी, जिसमें चुनावी आगाज होगा। आप संयोजक और दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल और उनके साथ ही पंजाब के सीएम भगवंत सिंह मान भी इस जनसभा को संबोधित करेंगे। वहीं पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष नवीन पालीवाल ने बीजेपी और कांग्रेस पर जमकर हमला बोला और इस बार प्रदेश में आम आदमी पार्टी की सरकार बनाने का दावा किया है। पालीवाल ने कहा है कि आम आदमी पार्टी के संगठन का विस्तार हो चुका है और कार्यकर्ता अब गाँव और ढाणी में पहुँच कर लोगों से संपर्क करने में जुट गए हैं। वहीं राजस्थान में तीसरे मोर्चे की कवायद में जुटे नागौर सांसद ने भी जून में 8 सभाएं करने का ऐलान किया है। सांसद हनुमान बेनीवाल ने कहा है कि राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी बजरी की दरों को कम करवाने, टोल मुक्त राजस्थान, मुफ्त बिजली, स्थायी रोजगार, स्थानीय लोगों को रोजगार देने, नहरी पानी, बेरोजगारी भत्ता देने सहित कई मुद्दों को लेकर 9 जून को बीकानेर जिले के श्री डूंगरगढ़, 12 जून को नागौर के दियाबड़ी, 14 जून को कोलायत में, 17 जून को टोंक, 20 जून को भीलवाड़ा, 22 जून को हनुमानगढ़ के नौहर और 24 जून को बाड़मेर के धोरी मन्ना और इसके बाद 26 जून को घड़साना में प्रदर्शन और जनसभाएं आयोजित की गई है। आपको बता दें कि प्रदेश में बड़ी संख्या में युवा है जो आरएलपी से जुड़े हुए हैं। ऐसे में इस बार आरएलपी और आम आदमी पार्टी दोनों ही पार्टियां कांग्रेस और बीजेपी के सामने एक बड़ी चुनौती साबित हो सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी, राजस्थान।